हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी। सर्दियों में हरी सब्जियां खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये बनने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए अब हम आलू पालक बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो पालक लिया है, जिसको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने और वॉश कर लिया है। ये मैंने कुछ सामान लिया है तड़के के लिए, जिसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्च लिया है। हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। खट्टेपन के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन लिया है 3 से 4 कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 से 3 प्याज लिए हैं। तो चलिए हम पालक को चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी पालक को कट कर लिया है। अब हमने जो मसाले लिया है तड़के के लिए, हम उसको भी चॉप कर लेंगे। मैंने लहसुन और प्याज को एक साथ ही चॉप किया है, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। मैं अदरक टमाटर और हरी मिर्च को भी एक साथ चॉप करूंगी। ये देखिए मैंने टमाटर से मिर्च और अदरक को चॉप कर लिया है। मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा ही रखा है। ये मैंने 2 से 3 बड़े आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं, बॉईल के हुए नहीं हैं। मैं इनको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो चलिए तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था, आधा छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे हम। जो हमने प्याज चॉप किया था वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। लहसुन भी जो हमने इसमें डाला था वो भी अच्छे से भुन गया। ये देखिए अब हम इसमें जो चॉप किए हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच से 10 मिनट तक हम इनको अच्छे से भूनेंगे। एक जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक गए। तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाए। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ जो हमारे बेसिक मसाले हैं हमने वही डाले हैं इसके अंदर। ये देखिए हमारा तड़का कितना अच्छे से पक गया है, जो हमारा ऑयल है वो ऊपर रिलीज हो गया है। अब हम इसमें जो आलू कट करके रखे हुए हैं हमने वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक आलू को मसाले के साथ ही पकाएंगे ताकि जो हमारे आलू है वो थोड़े से गल जाए। ये देखिए हमारे आलू पक गए हैं, कलर भी हमारे मसाले का चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने पालक चॉप करके रखी हुई है वो इसमें डालेंगे हम। तो पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ ही। और हम इसको भी आधे घंटे तक धीमी आंच पर पकाएंगे पालक को, क्योंकि आलू तो हमारे आधे गल ही चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी पालक है वो भी अच्छे से गल गई है। जो हमारा पानी है पालक का वो भी सूख गया है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि पालक में पहले बहुत पानी होता है। हमारे आलू भी अच्छे से गल गए हैं। हम फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो सारा पालक का जो पानी है वो सूख जाए। तो ये देखिए हमारे पानी बिल्कुल सूख चुका है, हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। सो गाइस, आपको मेरी ये आलू पालक की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप भी ट्राई कीजिए। सर्दियों में हरी सब्जियां खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा है, हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। सो गाइज, आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।